नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जिले के संसदीय क्षेत्रों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने हेतु पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई सम्पन्न। मझौलिया के अहवर कुड़िया में निकला 10 फीट का लंबा अजगर, बना कौतूहल का विषय, ग्रामीणों में की उमड़ी भीड़। सरकार ने शिक्षण संस्थान से हटाई पाबंदियां, चरणवार खोले जाएंगे स्कूल, छात्रों में दिखा उत्साह। फिनहारा में हल्की गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ पंचायत वार्ड सचिव का चयन, कुछ वार्डों में चयन प्रक्रिया के खिलाफ असंतोष, दिया आवेदन। समाज के निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए वर्णवाल संगठन ने उठाया सराहनीय कदम, दिए 11,000 रुपए नकद। मोतिहारी शहर के युवाओं की टोली के द्वारा लगातार किया जा रहा है जरूरतमंदों की पेट भरने की पहल, चांदबारी में चलाई गई रोटी बैंक। सुगली परिक्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन संपन्न, शांतिपूर्ण माहौल में हुआ विसर्जन। मझौलिया में प्रतिमा विसर्जन के साथ सरस्वती पूजा संपन्न, विसर्जन जुलूस में डीजे पर थिरके युवा। नमाखों से हुई मां शारदे की विदाई, प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक दूसरे को बच्चों ने लगाया गुलाल। भाजपा विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने किया निर्माणाधीन अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण, बोले जल्द होगा उद्घाटन। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान, यात्रियों को बताए गए जरूरी टिप्स। मझौलिया में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का पानी नहीं मिलने से लोगों में बड़ी परेशानी, शिकायत के बाद बीडीओ ने दिए जांच के आदेश। मझौलिया पुलिस व एएलटीएफ के संयुक्त छापेमारी में शराब कारोबारी गिरफ्तार, गया जेल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पूर्वी चंपारण के कई हिस्सों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित, भारी मन से लोगों ने दीदी को किया याद। मझौलिया में चोरी के मोटर से 3 धराए, एक पियक्कड़ भी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने सभी को भेजा जेल। नगरियागंज में अग्निशमन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान, आग लगी की घटनाओं में कमी लाना है उद्देश्य। शिवहर में जदयू के जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी कोष में दिया 21,000 रुपए का चेक, धन संग्रह अभियान के तहत पार्टी फंड में किया मदद। नगरियागंज में नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मनाया गया स्थापना दिवस, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत उपाध्याय ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाई गई सरस्वती पूजा, नम आंखों से की गई मां की विदाई। कोरोना पर भारी पड़ी विद्या की देवी मां सरस्वती की आस्था, नरकटियागंज में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरी आवाज ही पहचान है यादों में लता मंगेशकर स्मरण सभा का आयोजन, विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। सोमवार को पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिला के संसदीय क्षेत्रों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने हेतु संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिले के संबंधित प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर उत्कृष्ट प्रतिभागी को चयनित करते हुए पश्चिम चंपारण जिले में फाइनल प्रतियोगिता हेतु भेजा जाएगा। एथलेटिक प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि स्थल चयन करते हुए प्रतियोगिता को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि जिले भर में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी काफ़ी प्रतिभावान हैं, उनको बेहतर प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि हर पंचायत में खेल एवं खेल के मैदान की व्यवस्था की गई है। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन के साथ साथ एथलेटिक्स को भी बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, ADSS, खेल पदाधिकारी, सामान्य शाखा पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। मझौलिया थाना क्षेत्र के अहवर कुड़िया पंचायत के बड़ा नहर तिरहुत कैनाल के बांध पर झाड़ी में एक 10 फीट का अजगर निकला।
अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पंचायत के पूर्व उप मुखिया उमेश प्रसाद ने मझौलिया थाना को इसकी सूचना दी। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। यहाँ वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को नहर पर अवस्थित झाड़ी में अजगर को छोड़ने का निर्देश दिया। समाचार प्रेषण पर अजगर वहीं पड़ा है, इसे लेकर ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। फेनहारा प्रखंड अंतर्गत फेनहारा पंचायत के 19 वार्ड सचिव का चयन हुआ। इस दौरान सभी जगहों पर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ताकि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना मिश्रा ने बताया कि फेनहारा पंचायत के वार्ड नंबर 2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16 और 18 में वार्ड सचिव का चुनाव फिर से कराने के लिए आवेदन मिला है। समय का अभाव था, क्राउड ज्यादा था, वोटिंग का जैसे प्रोसीजर हो रहा था ब्लॉक के हिसाब से या नियमावली के हिसाब से होना चाहिए था हाथ उठा के, लेकिन बहुत सारे लोगों का राय नहीं था कि हाथ उठाने में दिक्कत होगा, ठीक है, जगह भी कम था, तो इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है और इसका सूचना और ये ब्लॉक में दे दिया गया है कि नया डेट जब मिलेगा तो फिर होगा चुनाव। हम फेनहारा 10 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य मोहम्मद इमामुद्दीन, हमने वार्ड सभा लगाया और सारे लोग इकट्ठा किया और उसमें कि बहुत सारे लोग कहे कि नहीं कोई हाथ उठाए, कोई चुनाव कराए, इसलिए ये वार्डसभा नहीं हो पाया, इसको स्थगित कर दिया गया है। इसलिए इसके फिर वीडियो मैडम जब चुनाव का डेट देंगे फिर उस समय में डेट होगा। इसकी सूचना आपने यहाँ प्रखंड पदाधिकारी विकास पदाधिकारी को दिया है? जी, देने जा रहे हैं। समय के अभाव में इसको स्थगित कर दिया गया है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की डोली धूमधाम से उठे, लेकिन गरीबी और लाचारी के कारण परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो जाती है जिसके कारण माँ बाप का यह सपना अधूरा रह जाता है। हालांकि आज के समाज में कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा उन गरीब परिवारों को चिन्हित कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उनका मदद कर हौसला बुलंद करने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में नरकटियागंज वर्णवाल नौजुवक संघ द्वारा गरीब वर्णवाल की बेटियों की शादी के लिए आगे आकर मदद करने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक नरकटियागंज के किहुनिया गाँव के विजय वर्णवाल व नगर के गुरुद्वारा रोड के कृपानाथ वर्णवाल की बेटी की शादी इसी माह होने को है, लेकिन दोनों परिवारों की हालत को देखते हुए संघ ने दोनों परिवारों को 11,000 का आर्थिक सहयोग दिया है। आपको बता दें कि दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते बेटियों की शादी का खर्च के लिए संगठन से मदद मांगी थी, जिसके बाद बंडवाल नवयुवक संघ के सदस्यों के आपसी सहयोग से दोनों परिवारों का मदद किया गया। संगठन से आर्थिक सहयोग पाकर दोनों परिवार काफी खुश हैं। वहीं वर्णवाल नवयुवक संघ के अध्यक्ष राकेश वर्णवाल ने बताया कि समाज के प्रत्येक निर्धन कन्याओं के विवाह की मदद के लिए संगठन खड़ा रहेगा ताकि समाज आगे बढ़ने के साथ साथ बुलंदियों को छू सके। समाज द्वारा जो आप मांगे हुए थे सहायता मिली? हाँ, मिला है। इस पर क्या कहें? इसके लिए हम वर्णवाल नवयुवक संघ को धन्यवाद दे रहे हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम लोगों से भी कोई जरूरत है, अगर सेवा समिति को तो लिया जाए, ठीक है। अगर मान के चलिए हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन अगर शरीर तो है ना। अन्य लोगों के लिए क्या कहेंगे? अन्य लोगों के लिए भी कहेंगे कि ऐसा, मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि हम समाज से हमारा प्रेरित हो और समाज में जो जरूरत हो हम लोग सब लोग मिल के उसको पूरा करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय बर्मवाल हुआ, मेरा घर केहुनिया हुआ। दो आवेदन पड़ा था, वो आवेदन गरीब परिवार बर्णवाल जाति के लोग दो आवेदन दिया था। उस आवेदन को हम लोग देखते हुए बर्णवाल सेवा नवयुवक सेवा समिति द्वारा आर्थिक मदद दिया गया, ये बहुत खुशी की बात है। और आने वाला भविष्य में भी हम लोग नवयुवक संघ चाहते हैं इसे अच्छा से अच्छा काम करें। जरूरतमंदों की पेट भरने की पहल मोतिहारी शहर के युवाओं की टोली के द्वारा लगातार किया जा रहा है। रोटी बैंक संचालित कर पिछले 5 साल में प्रत्येक रविवार को मोतिहारी शहर के चांदमारी माई स्थान परिसर में स्टॉल लगाकर गरीब व जरूरतमंद लोगों को रामेश्वर प्रसाद सेवा समिति द्वारा रोटी उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में इस रविवार को भी समिति के संचालक कन्हैया कुमार के नेतृत्व में स्टॉल लगाकर सैकड़ों लोगों के बीच रोटी के पैकेट का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रोटी बैंक को स्थापित करने का मकसद शहर के गरीब व जरूरतमंदों के लिए भोजन प्रबंध करना है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में राजन श्रीवास्तव, सोनू श्रीवास्तव, सागर कुमार सहित अन्य का सहयोग लगातार मिल रहा है। रामेश्वर प्रसाद सेवा समिति पिछले 5 वर्षों से गरीबों जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही है। रविवार को हम लोग चंदमारी माई स्थान पर प्रत्येक रविवार को 11 बजे दिन से हम लोग जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं, हर पेट भोजन कराते हैं।
और ये सेवा पिछले 5 वर्षों से जारी है, आगे भी जारी रहेगी। आने वाले समय में हम लोग ये जो है इसको जारी रखते हुए इसके अलावा सदर अस्पताल मोतिहारी में मरीजों के परिजनों को भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे और हमारा मोतिहारी क्षेत्र के सभी युवाओं से अपील है कि वो हमें इसमें सहयोग करें और इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। गोली प्रखंड क्षेत्र में विद्या की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिग्रहना नदी, मनियारी मन और तालाबों में प्रतिमा विसर्जित की गई। विभिन्न पूजा पंडालों में माँ सरस्वती की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकाली गई। विसर्जन सिग्रहना तथा तालाबों तक पहुंचा, जहां माँ सरस्वती की प्रतिमाएं विसर्जित की गई। पूरे दिन माँ की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर चलता रहा। मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दिखा। जयकारे लगाते हुए तमाम माँ शारदे की प्रतिमा के पीछे युवकों की टोली माता के जयकारों के साथ एक दूसरे को अबील गुलाल लगाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया। विसर्जन को लेकर सभी चौक चौराहों पर प्रशासन की तैनाती देखी गई। थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से थाना क्षेत्र में विसर्जन संपन्न हो गया है। विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा मूर्ति विसर्जन के साथ ही मझौलिया में संपन्न हो गया। इस अवसर पर विभिन्न गांवों, टोलों व शैक्षणिक संस्थानों में श्रद्धालुओं ने माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की। मूर्ति विसर्जन का सिलसिला दोपहर से जारी रहा। मूर्ति विसर्जन के दौरान माँ सरस्वती के जयकारों के साथ प्रखंड के विभिन्न निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं निजी पंडालों में स्थापित माँ सरस्वती की प्रतिमाओं को नजदीक के नदी व तालाबों में विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवाओं ने विसर्जन जुलूस में भाग लिया। इस दौरान सभी माँ सरस्वती का जयकारा लगाते हुए तथा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए देखे गए तथा विसर्जन के समय युवाओं में उत्साह रहा। युवा डीजे की धुन पर झूमते नजर आए। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा बड़े हर्षोल्लास से की गई। वहीं सोमवार को माँ शारदे की प्रतिमा विसर्जन के साथ नरकटियागंज में सरस्वती पूजा संपन्न हो गया। इस अवसर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में श्रद्धालुओं ने माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूरी श्रद्धा से उनका पूजा किया। सोमवार की सुबह विद्या की देवी माँ शारदे नमाखों से विदा की गई। इसके बाद प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। विसर्जन के दौरान माँ सरस्वती के जयकारों के साथ विभिन्न निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं निजी पंडालों में स्थापित माँ सरस्वती की प्रतिमाओं को नजदीकी नदी व तालाबों में विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवाओं ने विसर्जन में भाग लिया। इस दौरान सभी माँ सरस्वती का जयकारा लगाते हुए तथा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते देखे गए। रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने रक्सौल पीएससी परिसर में बन रहे 50 बेड के नए अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ठेका कंपनी रामा एंड सन्स के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें बताया गया कि अस्पताल का निर्माण कार्य तकरीबन पूर्ण हो गया है, अंतिम तैयारी चल रही है, 1 माह में पूर्ण रूपेण तैयार हो जाएगा। वहीं BMSIL के प्रोजेक्ट इंजीनियर अभिजीत कुमार ने बताया कि 1 माह के अंदर अनुमंडलीय अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने की तैयारी है। तकरीबन कार्य पूर्ण कर लिया गया है, फाइनल टच दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने वहां एक एक भवन को देखा। इस बीच मौजूद अधिकारियों और JEE से विभिन्न जानकारियां ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि प्रयास है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसका उद्घाटन करें। हैंडओवर होते ही उद्घाटन की तिथि निर्धारित की जाएगी। लोकार्पण के लिए स्वास्थ्य मंत्री से बात किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अस्पताल रक्सौल विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए रामबाण साबित होगा और सुविधाजनक बनाने के लिए हम तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीएससी भवन को भी अपने फंड से रंगरोगन कराएंगे। अनुमंडलीय अस्पताल का बाउंड्री वॉल व सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने मुख्य गेट निर्माण के लिए निरीक्षण करते हुए कहा कि सुलभ शौचालय का लीज समाप्त हो गया, इसलिए इसे डेमोसील किया जाएगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने जन शिकायत भी सुनी, जिसमें उपस्थित लोगों ने बताया कि यहां दर्जनों डॉक्टर की पोस्टिंग है, लेकिन अक्सर अधिकांश डॉक्टर नदारद रहते हैं। आज रक्सौल जंक्शन पर GRP और RPF प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि कभी कभी ट्रेन में सफर कर रहे यात्री को अनजान व्यक्तियों द्वारा कुछ खिला पिला दिया जाता है, जिसे लोग नशे की हालत में आ जाते हैं और इसका फायदा उठाकर उचक के उनका सामान लेकर चल बनते हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि कोई भी अनजान व्यक्ति के हाथों से कुछ नहीं खाना पीना है और कोई भी यात्री नशा के हालत में सफर नहीं करें। इस कार्यक्रम में GRP के पंकज कुमार, RPF प्रभारी और पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। मझौलिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल अधिकतर उपभोक्ताओं को नहीं मिलने की शिकायत को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने कनीय अभियंता को सख्त निर्देश दिया कि अविलंब जाँच उपरांत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हर हाल में कराए।
है। उन्होंने सतभिड़वा गांव अंतर्गत वार्ड नंबर 11, 12, 13 एवं 14 में तथा अन्य पंचायतों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वहीं उन्होंने सभी पंचायत सचिव वार्ड क्रियान्वयन समिति को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर भौतिक सत्यापन करते हुए आम लोगों की समस्याओं का समाधान करें। ढाका प्रखंड क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। हालांकि कोरोना को लेकर लोग इस बार ज्यादातर अपने अपने घर में ही प्रतिमा स्थापित कर माँ सरस्वती की पूजा की। इसी कड़ी में कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर निवासी छतौनी मोतिहारी के अर्णव किचन के प्रोपराइटर दिलीप जायसवाल ने भी अपने घर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की और भव्य सजावट कर मां की पूजा करने के बाद मां की प्रतिमा को गोद में लेकर जयकारे लगाते हुए विसर्जन किया। गौरतलब है कि शोरगुल बैंड तथा डीजे से दूर हटकर अपने परिवार और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए नमाको से मां की प्रतिमा को विदाई दिया गया, जिसके क्षेत्र में चर्चा हो रही है। सरस्वती माता का पूजा है, हम लोग भसान करने जा रहे हैं, हम लोग बहुत सारे डांस किए, कोरोना वैक्सीन की वजह से धूमधाम से हम लोग नहीं कर पाए हैं। मझौलिया पुलिस व ALTF के संयुक्त छापेमारी में एक पूर्व के शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि इसके विरुद्ध पूर्व में ही थाना में बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के नामजद अभियुक्त सुनील कुमार शर्मा, पिता चंदेश्वर शर्मा जो धोकराहा वार्ड नंबर 1 निवासी है, इसे मझौलिया पुलिस व ALTF के संयुक्त छापेमारी में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी उपरांत कोविड जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। इस छापेमारी दल में ALTF इंस्पेक्टर अनिल कुमार व प्रशिक्षु दरोगा राजीव रंजन सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे। ALTF की टीम एवं मझौलिया थाना के संयुक्त टीम की छापामारी के क्रम में मझौलिया थाना कांड संख्या 574/2021 दिनांक 15/10/2021 धारा 30A बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत सुनील शर्मा, पिता चंदेश्वर शर्मा साकिन ढोकड़ा है, वार्ड नंबर 9 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पूर्व में 10 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया था और एक फरार चल रहा है। भारतीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से वैश्विक ऊंचाइयों तक ले जाने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से देश दुनिया में शोक की लहर व्याप्त है। आज चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वावधान में शहर के अस्पताल रोड स्थित डॉक्टर स्वस्ति सिन्हा के नर्सिंग होम परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां कला जगत के लोगों ने लता मंगेशकर के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त की। डॉक्टर चंद्रलता झा ने कहा कि लता मंगेशकर भारतीय स्वर संधान की अकेली ऐसी शिखर है जहां श्रेणियों के अनेकों उतार चढ़ाव के साक्षात दर्शन होते हैं। नाथ ब्रह्मा की सच्ची उपासिका लता ने अपने स्वर लहरियों से दुनिया को आह्लादित किया है। वहीं डॉक्टर स्वस्ति सिन्हा ने कहा कि तीनों सप्तकों में सुर की मर्यादा को बनाए रखने में लता मंगेशकर का सानी नहीं है। महान संगीतज्ञों तथा कला साधकों के सामीप्य ने लता को तराशा। वहीं लता ने मानसिक रियाज और गहले चिंतन से कला के सभी स्वरूप रूपों को आत्मसात कर गीतों के रूप में उन्हें परिणित किया। सुप्रसिद्ध गजल गायक, संगीत समीक्षक व मुंशी सिंह कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत रत्न लता जी का जाना भीतर तक साल गया, जन जन की जुबान पर उनके सुर बरसों से तैर रहे हैं और इसके माध्यम से लोगों के सुख दुख, हर्ष विषाद, प्रेम और विरह को अभिव्यक्ति मिलती रही है। स्वर कोकिला ने करोड़ों करोड़ों दिलों पर वर्षों राज किया है। उनके स्वर अमृत की तरह अमृतत्व का उद्घोष करते रहेंगे। वहीं संजय पांडे ने कहा कि सुर, लय, ताल और भावनाओं की उच्छल अभिव्यक्ति के माध्यम से संगीत प्रेमियों की चेतना को स्पंदित, आनंदित तथा रोमांचित करने के उद्देश्यों के लिए ईश्वर ने लता को पृथ्वी पर अवतरित किया। लता की आवाज में कुदरत के मूल संगीत की अभिव्यक्ति है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में चोरी के मोटर के साथ 3 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान बाइक सवार पहाड़पुर से सिसवा भूतहा के राजू कुमार, बाबुल कुमार व अक्षय कुमार को मोटर चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। रात्रि गश्ती टीम द्वारा जांच के दौरान बाइक पर सवार तीनों युवकों को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस देख उक्त लोग भागने लगे, जिन्हें पीछा कर पकड़ लिया गया। जांच के दौरान उनके पास से मोटर, कटर, ब्लेड, रिंच बरामद हुआ है। उक्त लोगों को गिरफ्तार कर थाना लाकर पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नौतन के रेखा सुंदर पट्टी से मोटर चोरी की बात स्वीकार की है। इनके गिरफ्तारी से पुलिस को चोरी की घटना में संलिप्त अन्य लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है,
जिसके निशानदेही के आधार पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। ज्ञात हो कि पिछले माह पहाड़पुर पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोप में जमुनिया छोराहा के आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। उनके निशानदेही पर शिवहरी मठिया के विकास यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके सूचना पर गोपालगंज यूपी से चोरी के ट्रैक्टर को बरामद भी किया गया। जगदीशपुर के व्यवसायी मुकेश कुमार तिवारी की खाद लदी ट्रैक्टर ट्रॉली सुगौली से लौटते समय 11 दिसंबर को मझौलिया के दुबोलिया से लूट ली गई थी, जिसकी बरामदगी पुलिस ने विकास यादव की निशानदेही पर यूपी के सिद्धार्थ नगर से की थी। सूत्रों की माने तो ऐसी घटना में बहुत से युवकों की संलिप्तता है, जो ऐसे चोरों के गिरफ्तार होने से उन्हें भी पकड़े जाने की उम्मीद है। चोरी और लूट की घटना में संलिप्त लोगों में पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप का माहौल है। वहीं पुलिस ने थाना क्षेत्र से एक पियक्कड़ को भी गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत जेल भेज दिया है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में अग्निशमन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य आगलगी की घटनाओं से बचाव है। इसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आगलगी की घटनाओं में रोक लगाने के लिए एक कार्यक्रम कर घरेलू महिलाओं को जागरूक किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम नरकटियागंज प्रखंड के शिकारपुर पंचायत, भसुरारी पंचायत एवं धूमनगर पंचायत के दलित बस्ती में किया गया था, जहां अग्निशमन विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जानकारी देते हुए अग्निशमन पदाधिकारी ब्रिज कुमार चौधरी ने बताया कि आगलगी की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घरेलू महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आज के समय में लगभग हर घर में रसोई गैस इस्तेमाल होता है और जानकारी के अभाव में कहें या थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से आगलगी की घटनाएं सामने आती हैं। अगर सावधानी बरती जाए एवं हमारे टीम द्वारा बताए गए तरीके को अपनाया जाए तो लगभग घरेलू गैस से होने वाली आगलगी में कमी लाई जा सकती है। शिवहर में जदयू के जिला उपाध्यक्ष नियाज अहमद उर्फ मोती ने 21,000 का चेक सहयोग राशि संग्रह अभियान के तहत जदयू के जिला उपाध्यक्ष कमलेश पांडे को 21,000 का चेक सुपुर्द किया। उन्होंने पार्टी कोष के धन संग्रह अभियान के तहत यह राशि जमा किया है। जदयू के जिला उपाध्यक्ष नियाज अहमद मोती ने शिवहर जिलावासियों से अपील किया है कि पार्टी कोष में जितना बन पड़े सहयोग करें। मौके पर इश्तियाक अहमद एवं जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां नेशनल एंटी करप्शन एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का दूसरा स्थापना दिवस नगर के कृषि बाजार रोड स्थित प्रशासनिक कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुपालन करते हुए किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत उपाध्याय और मुख्य अतिथि शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत उपाध्याय ने बताया कि बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ यह संगठन आज 28 राज्यों में कार्यरत है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में सदैव तत्पर है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नरकटियागंज की जनता काफी अच्छी है, संगठन का कार्य काफी सराहनीय है, आप लोग ईमानदारी से कार्य करें, प्रशासन आपके साथ है। मौके पर संगठन के सभी लोग मौजूद थे। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में कोरोना महामारी पर विद्या की देवी की मां सरस्वती की आस्था भारी पड़ी है। शनिवार की सुबह से हर तरफ सरस्वती पूजा की धूमधाम देखी गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। वहीं सरकार द्वारा पाबंदी में छूट तथा स्कूल और कॉलेज खुलने से विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं नगर के आर्ट्स कोचिंग के शिक्षक सुधाकर कुमार मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से माँ सरस्वती का पूजा आयोजन किया गया है। इस दौरान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मास्क पहनकर बारी बारी से छात्र छात्राओं ने माँ सरस्वती की पूजा की है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हमारे कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। हालांकि इस बार कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग पूजा कर रहे हैं, ताकि संक्रमण से बचाव भी किया जा सके और अपनी आस्था को भी हम लोग पूरा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के तत्वाधान में मेरी आवाज ही पहचान है यादों में लता मंगेशकर स्मरण सभा का आयोजन किया गया। लता मंगेशकर की कला यात्रा को साथ साथ जीने के क्रम में विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने अपने अपने विचार रखे। प्रोफेसर पवनेश कुमार ने कहा कि लता जी ने मानव जीवन के सभी भावों को अपने गीतों में प्रस्तुत किया है। लता जी संगीत की बेंच मार्क है। पीढ़ियों ने लता मंगेशकर को देखा, जिया और महसूस किया है। बिहार में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद बिहार सरकार ने कुछ पाबंदियों में कमी लाई है और चरणवार शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। विदित हो कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते लहर को देखते हुए 6 जनवरी को प्रारंभिक कक्षा तथा संचालित होने वाली शिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्णय लिया गया था।
और 9वीं के ऊपर के कक्षाओं को 50% की उपस्थिति के साथ संचालित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन संक्रमण में तेजी को देखते हुए 7 जनवरी से तत्काल प्रभाव से सभी शिक्षण संस्थान को 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया। पुनः समीक्षा के बाद 6 फरवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं 7 फरवरी से चरणवार शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। शिक्षण संस्थान खोलने की खबर सुनते ही छात्रों में हर्ष का माहौल देखा गया। ऐसे में आज से नरकटियागंज में स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ हाथों को सैनिटाइज कर क्लासरूम में जाने दिया जा रहा है। साथ ही क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार छात्रों को बिठाया जा रहा है ताकि महामारी से बचाव हो सके। आज से राज्य सरकार के निर्देश पर 8वीं कक्षा तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। स्कूल खुलने से तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ऑनलाइन क्लास में क्लास तो चल रहा था लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा था जितना ऑफलाइन में हो पाता है। और सरकार के द्वारा वैक्सीन भी दिया गया है तो वैक्सीन लगवा कर और मास्क और ये सब प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर क्लास चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? शोएब अख्तर। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम साहब जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV News के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। Facebook पर जुड़ने के लिए HTV News के Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर HTV News को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV News, सच की आवाज़। नमस्कार।